नमस्कार, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान परशुराम से जुड़ी एक और रोचक कथा। बच्चों, क्या आपको पता है कि भगवान परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया था। जरा सोचो कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी कि परशुराम जी को अपनी माँ को मारना पड़ा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? आइए इन सवालों के जवाब इस कहानी के जरिए समझते हैं। ध्यान से सुनना। शिव भक्त भगवान परशुराम जी विष्णु जी के उग्र यानी गुस्से वाले अवतार हैं। उन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार भी कहा जाता है। गुस्सीला स्वभाव होने के कारण परशुराम जी की पहचान उग्र परशुराम जी के रूप में भी की जाती है। परशुराम के माता पिता ऋषि जमदग्नि और रेणुका बहुत आध्यात्मिक व्यवहार के थे। परशुराम जी अपने पिता की किसी भी बात को अनसुना नहीं करते थे, बल्कि उनके लिए उनके पिता के मुख से निकली हुई हर बात पत्थर की लकीर थी। उनकी माता रेणुका का पानी पर पूरा अधिकार था और उनके पिता का अग्नि पर। कहा जाता है कि रेणुका गीली मिट्टी के घड़े में भी पानी को भर लेती थी। एक बार परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका को हवन के लिए नदी से पानी भरकर लाने को कहा। जब माता रेणुका नदी के पास पानी लेने पहुंची तो उनकी नजर वहां पर पहले से मौजूद राजा चित्ररथ पर पड़ी, जो नदी के तट पर बैठे थे, जिन्हें देखते ही माता रेणुका मदहोश हो गई। वो राजा चित्ररथ को देखने में इतना खो गई कि उन्हें हवन के लिए पानी ले जाने की बात याद न रही। और काफी समय बीतने के बाद जब वो जल्दी जल्दी वापस लौटी तो उनके मन में उठ रहे विकार को ऋषि जमदग्नि ने समझ लिया। वो गुस्से से आग बबूला हो गए। ऋषि जमदग्नि इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने बेटों को आदेश दिया कि वो अपनी माँ को मार दें। लेकिन माता के मोह और प्यार के कारण बड़े पुत्र ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी तरह ऋषि जमदग्नि ने अपने दूसरे, तीसरे और चौथे बेटे से भी अपनी माँ का वध करने के लिए कहा, लेकिन माँ के मोह की वजह से भी ऐसा ना कर सके। तब ऋषि ने अपने आज्ञाकारी पुत्र परशुराम को इस काम के लिए चुना, क्योंकि वो परशुराम की ताकत और व्यवहार को बहुत अच्छे से जानते थे कि उनका पुत्र परशुराम कभी भी उनकी बात को नहीं टालेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने परशुराम को अपने चार बड़े भाइयों को भी मारने का आदेश दिया, जिसके बाद परशुराम ने बिना किसी सवाल जवाब के अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी बात मान ली। क्योंकि परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि की ताकत को जानते थे, परशुराम ने अपने शस्त्र परशु से मां समेत भाइयों का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सब देख ऋषि जमदग्नि अपने बेटे परशुराम से प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने पुत्र से एक वरदान मांगने को कहा। हे पुत्र, मैंने तुम्हारे सारे भाइयों से माता का वध करने की बात कही, लेकिन अपनी माता का वध कोई ना कर सका। तुमने ना सिर्फ अपनी माता का, बल्कि मेरे कहने पर अपने भाइयों का भी सिर धड़ से अलग कर दिया। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्र, मांगो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप माता रेणुका और सभी भाइयों को जीवन दान देकर उनकी याददाश्त में से इस घटनाक्रम को हटा दें। ऋषि जमदग्नि के पास दिव्य शक्तियां थीं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्रों को जीवन दान दिया और अपने पुत्र की बुद्धिमानी से खुश होकर परशुराम को कई विद्याओं का आशीर्वाद भी दिया। तो बच्चों, अब आप बताओ, आपने शिव भक्त परशुराम से क्या सीखा? बच्चों, हमें परशुराम जी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुश्किल हालातों में हार नहीं माननी चाहिए और हर समस्या का डटकर बुद्धिमानी से सामना करना चाहिए। समझ गए ना? तो बच्चों, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखना और सीखते रहें और ध्यान से पढ़ें। नमस्कार।